सत्वास के दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा कहते हुए पंडित मृदुल कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मनुष्य के पुण्य ही उसको पवित्र स्थान पर ले जाते हैं। गुरुदेव ने बताया कि हमारा मन भी ताला चाबी की तरह कार्य करता है। हम अपने मन को जिस तरफ ले जाएंगे वह उसी प्रकार से कार्य करेगा। गुरुदेव ने कहा कि धन से सुख प्राप्त किया जा सकता है, आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। सुख को व्यक्ति बटोरता है और आनंद को दूसरों पर न्यौछावर करता है। शास्त्री जी ने कहा कि प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द है, परंतु आनंद का विलोम शब्द नहीं है। सुख का विलोम दुख है, परंतु आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द नहीं है। सुख छीना जा सकता है, किंतु आनंद को कोई नहीं छीन सकता। गुरुदेव ने कहा कि धन साधन है, साध्य नहीं है। कथा के दौरान वृत्तांत सुनाते हुए गुरुदेव ने उपस्थित हजारों भक्तों को भाव विभोर कर दिया। पंचम दिवस पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल, महामंत्री पोपेन सिंह बग्गा ने आरती कर व्यासपीठ का पूजन किया। सतवा से जीतू सिंघी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।